नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राग एक्सप्रेस न्यूज। इस वक्त की खबर मध्य प्रदेश से। कमिश्नर महोदय मंच पर आएंगी तभी करूंगा अनशन समाप्त। जी हां, पूरा मामला रीवा जिले के संभाग का अग्रसेन चौराहे पर। नौ बिरसा मुंडा अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय दादूलाल कोल, महिला सशक्तिकरण राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकली कोल अनिश्चितकालीन हड़ताल पर अनशन पर बैठे हुए हैं। पांचवा दिन है, आज तक कोई भी अधिकारी उनकी तरफ नहीं गया। ऐसे में वहां पर कोई सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से फोर्स भी मौजूद नहीं है, जबकि महिलाएं ज्यादातर उस अनशन पर बैठी हैं। ऐसे में रीवा जिले के आला अधिकारियों को महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए। अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे संगठन के लोगों को और नव बिरसा मुंडा अध्यक्ष दादूलाल कोल, महिला सशक्तिकरण राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकली कोल ने कहा है कि जब तक कमिश्नर साहिबा मंच पर नहीं आएंगी तब तक अनशन समाप्त नहीं करेंगे। अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे उनके नाम क्रमशः सचिव रंगलाल, सचिव रंजन, ब्रजमोहन कोल, रमाकांत कोल, शांति कोल, श्रीमती सीला मांझी, भैयालाल कोल, उमा शंकर दैया, प्रदेश संगठन अध्यक्ष नव बिरसा मुंडा तिलका, नंदलाल मांझी और भी सभी संगठन के सदस्य मौजूद रहे। अब देखना यह है कि अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे संगठन के लोगों को कमिश्नर साहिबा क्या सौगात देती हैं, इन महिलाओं को कमिश्नर साहिबा कब न्याय देंगी। दिखाएंगे आपको अगले अंक में, बने रहिए प्राग एक्सप्रेस न्यूज चैनल से। रोहिणी कुमार की स्पेशल रिपोर्ट, देखते रहे प्राग एक्सप्रेस न्यूज, आपकी खबर हमारी नजर। जैसा कि दादूलाल जी को तीन दिन हो गए हैं, आज तीसरा दिन है। आज उन्होंने ज्ञापन दिया, इनसे पूछा कि इनको क्या जानकारी है। यानी ये कहा है कि सरकार में क्या लोग सिर्फ अनशन ही करते नजर आएंगे। यदि अनशन ही करना है तो फिर जो है मंत्री जो हैं ये तो भी अनशन करते हैं, तो उनके लिए तो हर सुविधा मिलती है। लेकिन जो बेचारे गरीब अनशन करते हैं तो वो सिर्फ बैठे रहते हैं, भूख को अपने से ही सब व्यवस्था करते हैं। अब हम मिलते हैं अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष दादूलाल कोल, यहाँ पर क्या बताएंगे कि उनको क्या कैसा लाभ हुआ है। अभी तीन दिन होने जा रहे हैं, कितने अधिकारी आए हैं इनके पास? 15 तारीख आपके पास अभी तक अभी तक में तो यहाँ मंच पे अधिकारी कोई आए तो नहीं, परंतु हमारी जो कार्यवाही है जो नियमावली के तहत हम लोग चलाते हैं, चाहे आंदोलन हो या अनशन हो, रैली हो, उसके तहत कार्यवाही हम लोगों को जो दिया है उससे उन्होंने ये भरोसा दिलाया है कमिश्नर महोदय जी कलेक्टर के यहाँ भेजे। कलेक्टर महोदय जी ये बोले कि 1.5 महीने के अंदर आपका कार्य जो है शीघ्र त्योहार हनमना होने वाला है। और इसके अलावा अभी तक कोई अधिकारी हमारे में बता दें कि अब देखिए इनको कहा गया है कि 1.5 महीना, अब 1.5 महीना में काम होगा भी कि नहीं होगा, कि सिर्फ इनको अनुशासन ही मिलेगा, सिर्फ तारीख ही मिलेगी। दिखाएंगे अगले अंक में, बने रहिए प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के साथ। बताइए क्या कह रहे हैं आप? मेरा नाम दादूलाल कोल है, नव बिरसा मुंडा भूमिकार जागृत एवं महिला सशक्तिकरण संभागीय कार्यालय राजस्व कमेटी सगरा में। आज विगत में 12 वर्ष से पदस्थ हूँ और 12 वर्ष से मैं इस। आप मेन पॉइंट पे आइए, आप कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर? मेन पॉइंट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मुझे 22 वर्ष इस कोर्ट को आवेदन देते हुए जमीन पट्टा निराकरण के लिए ये आज बीत रहा है, जो कि लास्ट में हम आज कर्मी का अनशन चला रहे हैं। हमारी मांग ये है इस अनशन का तभी समापन हम करेंगे जिस तरह से संविधान लागू किया गया है, यह मंच बनाया गया है। इस मंच का उद्घाटन करवाने हेतु प्लस जनता जनार्दन प्रजा के बीच अगर संस्कृति जैन महिला कमिश्नर बनकर आई हैं महिलाओं का उत्थान करने के लिए, तो महिला पुरुष कमिश्नर जब तक इस मंच पे नहीं आएंगे हम लोग अनशन समापन नहीं करेंगे। हम अपना अधिकार लेने के लिए उन्हें बुलाना चाहते हैं कि वो आकर जनता से बात करें मंच पर, यही हमारी मांग है। कई फसल निकल गई, फिर अभी भी सही की बात को हमको लग रहा है कि चलो 1.5 महीने का काम पर साथ रखते हैं, आसाम में टिके हैं। जब तक हमको नहीं मिल जाएगा तो हम दम से कह रहे हैं हम ये जगह को छोड़ेंगे नहीं, दम छोड़ देंगे क्योंकि ये जगह नहीं छोड़ेंगे। आसाम में टिके हैं और हम लगातार कर्मी कंसन चलाते रहेंगे, हर दिन का विज्ञापन देते रहेंगे।
कोर्ट मुर्दी है तो हम भी मुर्दा यही हो जाए। अभी तक आपको 3 दिन होने जा रहे हैं फंक्शन, तो आपको कोई अधिकारी नहीं, अधिकारी द्वारा अनुशासन मिला है। क्या आपको लगता है कि अनुशासन में अमल किया जाएगा, ये सिर्फ दिखावा मात्र रहता है कार्यों का, आपको ऐसा क्या लगता है? वो शासन दिया गया है तो जब हम लोग उनके दरवाजे तक जाने का वो शासन दिया, और यहाँ तक कर दू के अनुशासन का कोई अधिकारी नहीं है। जब हम लोग जानते शासन दिन इतना देते शासन कि आप लोग कहाँ बैठे होगा, धरना प्रदर्शन मतलब कर्मी दर्शन चलाए हैं, कहाँ बैठे हैं, तो हम लोग तो कलेक्टर भाई साहब कहे हैं कि मुख्यमंत्री योजना का पट्टा बन रहा है 1.5 महीना में आप लोग के पट्टा। तो ये अनुशासन आपको कब से मिलता जा रहा है? अनुशासन तो बहुत मिला है, बहुत दिन से। देखिए आपने एक फिल्म देखा होगा दामिनी, सिर्फ तारीख पे तारीख मिलती थी, आज वही इनके साथ घटना घट रही है कि मुख्यमंत्री योजना बन रही है। वो कब से बन रही है? अब ये रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे तब तक वो तैयार होगा। शहीद नहीं है हम बोले कलेक्टर भाई साहब के मुख्यमंत्री योजना का पट्टा आज कई बरिश से बनल था, मगर आज तक बंटवारा नहीं है। मुख्यमंत्री के है घोष रहा है पट्टा बन रहा है। आज आपको लगता है कि बन जाएगा? हमको तो नहीं लगता है कि पट्टा बन जाए, मतलब ऐसा लग रहा है कि करिया को गुमराह कर रहे हैं। हाँ, गुमराह कर रहे हैं।